वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले आपको बता दें कि पीएम काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कल ही आपको बता दें वाराणसी में भव्य रैली की गई थी, रोड शो किया गया था और आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि तमाम राज्यों के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो भी नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे, तो दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी मोहित से। फिलहाल आपको बता दें कि कल पूरा रोड शो किया गया था, पहले 3 किलोमीटर का रोड शो था, बाद में इसे 5 किलोमीटर का कर दिया गया। भीड़ जो थी, जन सैलाब जो था, वो देखने को मिल रहा था। कल देखने को मिला किस तरीके से जो वाराणसी के लोग हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार थे। उनके साथ राज्य के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी मौजूद थे। और हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, लगातार आप वाराणसी में मौजूद हैं और जिस तरीके से कल भी रैली की गई बीजेपी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, तमाम जो लोग थे वो वहां पर जमा हुए थे, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो पूरा कार्यक्रम है, जैसी खबरें सामने आ रही कि तमाम राज्य होंगे उनके सीएम भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे, तो कितना भव्य होने वाला है और कितना, अगर कुनबे की बात करें प्रधानमंत्री की, तो कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है नामांकन के दौरान? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर लोकसभा प्रत्याशी आज वाराणसी में नामांकन करने जा रहे हैं और इस नामांकन को करने से पहले वो सबसे पहले माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे। दशाश्वमेध घाट पर वो गंगा स्नान करेंगे और इसके बाद बाबा काल भैरव, जिसे काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, वहां पर शीश नवाएंगे और इसके बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास वो नामांकन स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। और इस दौरान बीजेपी शासित जो 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो वाराणसी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एनडीए घटक दल के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो भी इस वक्त वाराणसी में पहुंच चुके हैं। तो चूंकि देश के सबसे बड़े लीडर और सत्ता पक्ष के सबसे बड़े लीडर का नामांकन है, लिहाजा बीजेपी ने इसे एक मेगा इवेंट के तौर पे तब्दील कर दिया है। कल हमने देखा था कि 5 किलोमीटर का रोड शो जो था वो कितना दिव्य, भव्य और नव्य था। वाराणसी की सड़कों पर लगभग 7 से 8 लाख की संख्या में जो लोग थे वो वाराणसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सुबह से ही खड़े थे और शाम तकरीबन 5 बजे से उनका रोड शो शुरू हुआ और लगभग 8 बजे के आसपास वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बाबा काल भैरव का भी काशी विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से क्या लगाव रहा है वो पिछले 10 सालों के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है और उसी की जो एक झलक है, एक वानगी है, वो एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रत्याशी वो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा जो समूची काशी है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो 12 राज्यों के जो सीएम है वो वाराणसी पहुंच चुके हैं। वाराणसी को आपको बता दें धर्म राजधानी कहा जाता है, भारत का धार्मिक राजधानी उसे करार दिया जाता है। इसी बीच आज लगभग 11:40 यानी 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन वाराणसी में दाखिल करेंगे और तीसरी बार बनारस के लोगों का जनाधार मांगेंगे, उनका आशीर्वाद चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल